so hello everyone welcome to another session on mom stars so today we have mom star swarupa she's from telangana so welcome uh, swarupa thank you Ma. i'm swarupa so, yes i'm swarupa from Nagar, telangana i'm working as a police i'm working in telangana police department that's so nice to have somebody from the defense uh, here प्रिविलेज so कि आप हमारे साथ आज है यहां पे स्वरूपा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग की uh, बेबी जब ज्वाइन किया था कंसल्टेशन के तब इनके बेबी 13 की थी कि जब इन्होंने हमको रीच आउट किया था करेक्ट स्वरूपा यस मैम सो आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हो स्वरूपा आप uh, पुलिस में हो बहुत अच्छी बात है कुछ और बताना चाहोगे अपने बारे में uh... मैं तेलंगाना में महबूब नगर से हूँ मैम मेरी बेटी 8 सितंबर को बॉर्न हुआ आ, मेरे मेरे बारे में बताने की कुछ ज्यादा ही नहीं है ठीक है जो भी जो भी है मेरे बेटी के बेटी के बारे में ही है करेक्ट वो तो है आप मदर वोड मदर बनने के बाद सारा कुछ हमारा बच्चों के अराउंड ही पूरा रहता है सारी चीजें ओके सो so, अपनी ब्रेस्ट जर्नी के बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका ब्रेस्ट जर्नी पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी घर के बड़े लोगों ने कहा तीन तीन दिन तीन दिन के बाद मिल का आते हैं जब आपको ब्रेस्ट में पेन जैसा लगता है पर मुझे पेन ही नहीं आया मिल कर आया पर लो सप्लाई लो मिल्क लो सप्लाई आया फर्स्ट फिफ्टीन डेज तक मेरी बेटी फॉर्मला पे ही है मेरी दूध पीती थी पर उनको पेट भरा नहीं था इसलिए मैं हर हर फीडिंग के बाद थर्टी एम एल ट्वेंटी एम एल फोर्टी फीडिंग फॉर्मुला फीड देती थी उनके बॉटल से दे देती थी आ, आ, मेरे घर में बड़े लोगों ने कहा कि टेन डेज के बाद आएंगे वन वीक के बाद आएंगे मिल्क ज्यादा आएंगे पर मैंने टेन डेज तक देखा ट्वेल्व डेज तक पर मेरी बेटी का पेट ही निर्भर इसलिए मैंने एक फैसला लिया कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूं मैंने गैनी को कंसल्ट कर पर उन्होंने ज्यादा नहीं बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते आपकी प्रॉब्लम है हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन लोगों ने ऐसे ही बोला पीडियाट्रिशियन को भी मैंने कंसल्ट किया वो भी ऐसे ही बोला वो हम लोगों ने दूध मिल्क सप्लाई के लिए हम लोग कुछ नहीं ज्यादा नहीं देते इसलिए वो, वो लगे जब मैं जो, मुझे गूगल करते हुए पता चला कि मिल्क फ्लो और ए ब्रेस्ट फीडिंग के भी डॉक्टर्स होते हैं वो आ, मैंने गूगल करते हुए मुझे पता लगा जब तक मुझे पता ही नहीं था एक डॉक्टर होते इस, इसके बारे में डॉक्टर होते मुझे पता ही नहीं जब गूगल करते हुए हमने मा, मासी क्लिनिक का पता चला पहले मैंने पुलिस में डिपार्टमेंट होना थोड़ा नेगेटिव ही सोचा ए फ्रॉड है या सच है या गलत है आ, मेरा मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे जब मैं अगर मैं कैंसल करे तो ऐसा ही बोला पर मैंने एक स्टेप लिया जो भी हो जाए मेरी बेटी के लिए अच्छा ही होगा मेरे मेरी पैसे गए तो भी गए कुछ कुछ तो हो स्टेप करना है मुझे इसलिए मैंने आपको कंसल्ट किया आपकी टीम ने मुझे कंसल्ट किया जब मैंने मैसेज किया था आपकी टीम ने मुझे कंसल्ट किया इस, आ, इसके द्वारा आप मैंने आपको मिला करेक्ट ठीक है उसके बाद तुम्हारा जर्नी तो हमको अभी हम और डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर सारा चीजें फिर हमने आने है, कंसल्टेशन स्टार्ट किया और जिस समय हमने स्टार्ट किया था तब आप बेबी को टू टाइम्स दे रहे थे करेक्ट यस मैम जब भी मैं ब्रेस्ट फीड करती थी उस टाइम फार्मूला भी देती थी करेक्ट हर बार आपको फॉर्मूला देना पड़ रहा था उसके बाद हमारी कॉल नियरली डेज के बाद हुई थी मैंने आपको जो आपका फॉर्मूला था विद इन ट्वेंटी पूरा बंद हो गया था, uh, में आ गया था मेरी, मेरी बच्ची मेरे लिए, लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो गई करेक्ट hmm. लेकिन हमको वेट का कंसर्न था क्योंकि इसका बर्थ वेट बहुत कम था टू पॉइंट के जी के हुई थी तो हमने प्लान किया कि हम लोग थोड़ा वेट के ऊपर वर्क करते हैं इसका वेट थोड़ा इम्प्रूव करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉल हुई उसके करीब टू वन वीक के बाद अराउंड टेन डेज के बाद जिसमें उसका वेट गेन भी बहुत अच्छा हो रहा था तो हमने हो गया इस पे एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगी कि स्वरूपा हमारे पास बहुत जल्दी आ गई थी जब इनका बेबी सिर्फ 15 डेज का लगभग था 13-15 डेज का तो उससे क्या होता है कि अगर आप जल्दी हमारे पास आ जाते हो तो हमको रिजल्ट्स भी लाने में जल्दी हो जाते हैं हम आराम से रिजल्ट जल्दी ला पाते हैं अगर मदर्स देर करती हैं दो महीना तीन महीना चार महीने बाद हमारे पास आती हैं तो उतना हमें ज्यादा टाइम लगता है उनको रिजल्ट्स देने में तो अगर किसी मदर को कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो जितना जल्दी लैक्टेशन लैपल्टेंट को, को पहुंचेंगे तो उतना जल्दी उनको रिजल्ट आते हैं और यही रीजन था स्वरूपा को कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ गए थे जिसकी वजह से आराम से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो गई करेक्ट मैम आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सप्लाई लो है यही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी बच्ची लैच अच्छे अच्छा कर रहा था पर मिल्क उसको ज्यादा मिल्क ज्यादा नहीं, नहीं आ रहा था यही मेरा प्रॉब्लम है जब आप मैंने आपके कंसल्ट किया एक ही कंसल्टेशन में मेरे मेरे प्रॉब्लम ज्यादा कम हो गया ठीक है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ कि आपको ऑनलाइन ये सब हो रहा था तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आपके साथ एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है मैडम जब भी मैंने पहले बोला मैंने फर्स्ट मैंने नेगेटिव सोचा सम, आप लोगों के बारे में पर जब मैंने आपको कंसल्ट किया मुझे मुझे लगा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन को भी हम ट्रस्ट करना चा, कर, करना चाहिए ऑनलाइन सभी लोग आ, बुरे नहीं होते सभी थोड़ा थोड़ा कोई लोग अच्छा भी होते हैं मेरे मेरे हिसाब से मैंने आपको कंसल्ट किया मैंने ट्रस्ट किया वो, वो अच्छी बात है मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ इसके लिए मैं एक सजेशन देती हूँ कि जब भी कोई डाउट करता है कि ऑनलाइन से कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा आप उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे जाकर के चेक कर लो अगर कोई कंपनी है कोई ब्रांड है अगर वो सब जगह अवेलेबल है तो ऐसा कोई फ्रॉड कंपनी यूजुअली नहीं करेगी कि अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल करेगी दूसरी चीज आप वहां पर उनके व्यूज रिव्यूज चेक करो टेस्टिंग चेक करो फीडबैक्स चेक करो बहुत सारे लोग फेक नहीं लिखेंगे अगर आपको अच्छे फीडबैक्स दिख रहे हैं रिव्यूज दिख रहे हैं यानी कि वो कंपनी लेजिट है अब आजकल के तारीख में हमको सब चीजों की जरूरत है मदर्स बहुत रिमोट एरियाज में रहती हैं वहां लैकेशन कंसल्टेंट्स नहीं होते अब स्वरूपा के साथ भी इशू आ रहा था कि उनको गायनिकोलोजिस्ट ने बोला कि हमारे से नहीं होगा पीडियाट्रिशियन ने बोला हमारे से नहीं होगा लेकिन स्वरूपा वॉज लाइक like की मुझे करना है मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर वर्क करना है तो इन्होंने ऑनलाइन ढूंढा और वो हमारे तक पहुंच गई बहुत लोग कई बार नहीं समझ पाते उनके घर वाले उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं करते कि ऑनलाइन है पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा एंड ऑल दैट तो उस केस में आप अच्छे से पहले चेक कर लो अगर आपको दिखता है फीडबैक्स हैं हैं सारा वो अच्छा प्रोफाइल होता है में स्टार सीरीज का वीडियोस देखा इसलिए मैंने थ्रू एक स्टेप, एक स्टेप मैंने आपको ट्रस्ट किया बात मैं, है। जब मैं वीडियो देखी थी मे भी मेरी बेटी को एक्सक्लूसिव ब्रशवेडिंग कर सकती हुई मेरे लिए इतना इतना कुछ है मेरे, मेरे अंदर में बहुत, में, में बहुत था जब मैं मैंने मेरी बेटी को एक्सक्लूसिव ब्रेश मैं मैं इतनी में में थी इतनी में थी प्रेशर पर अभी-अभी थोड़ा एक अच्छा फीलिंग आएगा कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा बेस दिया है उसको एक अच्छी इम्यूनिटी दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी yes के लिए मेरे लिए, लिए भी यही थी मैं सिक्स मंथ तक ही मेरी बेटी के पास रह सकती थी उसके बाद कैसा रहता है मुझे पता नहीं था सिक्स मंथ तक uh, मुझे एक्सक्लूड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है उसके उसके बाद सिक्स मंथ के बाद मैं फार्म को चली जाती वो कैसे भी रहते जब तक मेरी मेरी टाइम हो सिक्स मंथ तक ही मेरी टाइम हो उस टाइम तक उस समय तक भी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया तो मैं कैसे कैसे क्या हुआ मेरे साथ में मेरे दरे, दरे. और आपका तो लोग का ड्यूटी बहुत डिफिकल्ट होता है पुलिस का ड्यूटी बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं फेस्टिवल्स पे भी आपको ड्यूटीज करने पड़ते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत टफ जॉब होती है एंड सल्यूट फॉर दैट कि आप बहुत अच्छे से पूरा करते हो सबका ख्याल रखते हो सबका सिक्योरिटी अच्छे से करते हो और अभी आपका मदरहुड भी अभी अच्छे से हो जाएगा आपके बच्चे को अच्छा हो गया है तो आप भी रिलैक्स होकर के पूरा अच्छे से कर पाओगे अपने काम को भी उसके अंदर करेक्ट आपका एक्सपीरियंस टीम और स्टाफ के साथ कैसा रहा क्लिनिक का जो टीम है स्टाफ है उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आप आ, किसी भी क्वेश्चन पूछो मेरी मेरे तरफ से ही फाइव स्टार रेटिंग ही आता है मैडम क्योंकि जब भी मैं मैसेज करती मैं जब मैं बोला ना फर्स्ट मैं बहुत प्रेशर में थी इसलिए मैं ब, आ, बार 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 मैसेज करती थी टीम को बहुत सताती थी, थी. पर उन लोगों ने बहुत शान से मुझे मुझे आ, आंसर आंसर देती थी मैं किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछ लो वो अच्छे से आंसर करती थी मुझे करेक्ट right. uh, मेरा जो टीम स्टाफ है पूरा बैक एंड पे कभी कभी कोई कोई मदर मैं समझती हूँ कभी कभी मदर्स बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो वो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि रिलैक्स वो मदर का पॉइंट सोचो वो रात में जाग नहीं रही है वो जाग रही है रात को उसको नींद पूरा नहीं हो रहा

ओके okay, उनके इश्यूज हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है इज फाइन और कई बार मदर्स अगले दिन सॉरी भी बोलते हैं कि कल मैंने बहुत हार्शली बोल दिया था बहुत रूडली बोल दिया था आई एम सॉरी और अभी सब ठीक है एंड सॉरी uh, कि कल मैं आपके साथ बहुत हार्ड हो गई थी दैट वे इट इज फाइन और क्वेश्चन के लिए तो मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन आते हैं तो पूछो बिकॉज आप जितना पूछोगे आप लर्न करोगे लर्न करोगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी उतना आप कॉन्फिडेंट uh, होगी अपनी जर्नी पे okay. अच्छा आपका ऑनलाइन कंसल्टेशंस आपके लिए जैसे कई लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन से कैसे होगा हम तो क्लिनिक पे जाके दिखाएंगे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आया ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में आपको क्या कहना है कि ये जो मोड है ऑनलाइन का रेस्पिरेटरी कंसल्टेशंस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है ऑनलाइन कंसल्टेशन इज इजी 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 मैम क्योंकि हमारे हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको लेके यहाँ वहाँ नहीं जा सकते ऑनलाइन कंसल्टेशन से आ, मेरे लिए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ही बेस्ट है करेक्ट ऑनलाइन में एक और चीज अच्छी होती है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी कंसल्टेशंस को बुक कर सकते हो ऑफलाइन में आप जब जाते हो तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में सो जाते हैं तो जब सो जाते yes, हैं तो that's... वो क्लिनिक पे आते हैं तो वो लैचिंग कैसे कराए उनको एक बहुत yes. बड़ा चैलेंज होता है जो कि ऑनलाइन पे हम आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर करें ओके yes, okay. आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्रेग्नेंट और न्यू मॉम्स को जो ये इस वीडियो को देखते हैं या जो लोग भी आगे आते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जब मैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होती हो, हुआ करती थी जब मैंने मिल्क मिल्क के बारे में नहीं सोचा मैम सबके आते मुझे भी आते हैं ऐसा ही सोचा मैंने जब एक बार मैंने मेरे बच्ची को पैदा किया था जब मुझे मिल्क की इम्पोर्टेंस मुझे पता चला था फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मॉम्स उनको पता नहीं था कैसा मिल्क कब आता कैसा आता घर में बड़े लोग बहुत कहते थे मैम थ्री डेज के बाद आते थे कोई लोगों को टेन डेज के बाद आते थे वन मंथ के बाद आते थे पर आप लेट मत करो उतना जल्दी आप एक अच्छे लैक्टेशन कंसल्टेंट को ढूंढ सकते हैं वो आपके लिए अच्छा था आ, आ, कितना जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंच सकते थे उतना जल्दी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाते जब आ, हम कितने देर करते थे हम हमारा प्रॉब्लम उतना बढ़ जाते थे सरूपा आपका मदर टंग तेलुगु है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो ये मैसेज दे रहे हो एक बार तेलुगु में बोल दो क्योंकि हमारे बहुत सारे मदर्स व्यूअर्स भी होंगे so आप एक वो मैसेज अपना तेलुगु में भी बोल दो तो वो बहुत कंफर्टेबल होगा मदर्स के लिए सुनने के लिए मैं प्रॉब्लम मन चिन्ह मन इंत रोज मन डॉक्टर लाइन क्लीनिक कंसलट अंतर मन प्रॉब्लम सा మనం ఎంత లేట్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం అంత పెద్దగా అయిపోతుంది వేరే వాళ్ళ మాటలు విన్నాం అనుకో ఇంట్లో వాళ్ళు త్రీ డేస్కి వస్తాయి టెన్ డేస్కి వస్తాయి అని చెప్తూనే ఉంటారు నాకు కూడా అలాగే చెప్పారు కానీ నాకు మిల్క్ సప్లై లోగానే ఉండింది కానీ ఎప్పుడైతే నేనైతే మాసీ కేర్ని కన్సల్ట్ అయ్యాను నా ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ అయింది నేను ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి వచ్చేసాను అది నేనైతే అందరికి ఒకటే చెప్తా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒక మనీ కంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అందుకోసం అని బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది వర్కింగ్ మదర్స్ అయితే ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది వర్కింగ్ మదర్స్ ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ ఉండేది ఇంకా ఎక్కువ ఉండలేం కాబట్టి అది మనం తొందరగా లో ఉన్నా లాచింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఏ ఉన్నా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయినా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ సలహాలు ఒకటే విని ఉండొద్దు ఒక మంచి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ కావాలి మాసి కేర్ ని మాత్రం కన్సల్ట్ కావాల్సిందే నా విషయంలో మాత్రం హైదరాబాద్ తెలుగు సమజమే అతను उतना बोलने को नहीं आता बट समझ में आता है तो आए, मैं आपका पूरा समझ पाई थी कि आपने क्या बोला और अच्छा है कि और लोग भी समझेंगे एंड उस चीज को अच्छे से पूरा फॉलो करेंगे uh, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है आपने मेडिसिन यूज किया है इलेक्ट्रोमैजिक पाउडर यूज किया होगा मोरिको टैबलेट्स यूज किया होगा और मसाज ऑयल यूज किया होगा आपका उसके बारे में क्या फीडबैक है आपको क्या अच्छा लगा उनके बारे में वो आप अपना फीडबैक दे दीजिए मुझे मुझे तो मोरिको uh, टैबलेट्स बहुत अच्छा लगा ब्लैक पाउडर और मोरिको टैबलेट्स मसाज हम लोग मसाज करनी चाहिए क्योंकि मसाज hmm. करने से uh, हमारा मिल्क फ्लो जब भी मेरा मिल्क लो टोटली लो आई फील टोटल लो देन आई विल मसाज अगेन आफ्टर थ्री टाइम्स आई विल अगेन मसाज देन प्रेस माय ब्रेस्ट देयर इज सम लैक्टो पाउडर और मोरिको टैबलेट्स दोनों ही मेरे लिए मेरी बेबी की वेट गेन अच्छा हुआ उसकी वजह से और क्यों इसलिए मैं जब भी डॉक्टर बोलते वो सब कुछ करनी चाहिए मैम क्योंकि आप लोग आप लोग कोई कुछ भी बोलते वो हमारे लिए ही बोलते हमारे अच्छे के अच्छे के लिए बोलते इस, ओ फॉलो करना चाहिए करेक्ट सो थैंक यू सो मच मिसेस स्वरूपा आपने हमको इतना अच्छे से अपना पूरा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में शेयर किया मदर्स को मोटिवेट किया अपने तेलुगु में भी बोला जिससे बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग मदर्स उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई अपना गाइड करे क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है हमारे बहुत रिजल्ट्स हैं लेकिन जब मदर खुद बोलती है कि मैंने मेरा जर्नी किया था उसे क्या results आए तो वो बहुत कनेक्ट करता है दूसरी को को जो इस समय परेशान तो that way आपको बहुत बहुत thank you कि आपने अच्छे से mothers को, अच्छे से से किया पूरा उनको समझाया अपनी पूरी करी मेरी language है मुझको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स मिक्स आते है पूरा परफेक्ट नहीं आते वो, वो भी एक रीजन था मैं पहले एक स्टेप नहीं लिया मेरे ये हिंदी बात करते इंग्लिश बात करते मुझे हिंदी नहीं आते अच्छे से इंग्लिश नहीं आते कैसे करेंगे मेरे बेइज्जती होगी पर मैंने मेरी बेटी के लिए वो बेइज्जती बेज़, सहने के लिए मैंने तैयार हुआ आपको मेरे कभी ऐसा लगा आपको ऐसा लगा कभी कि आपकी बेइज्जती हुई पूरा उसमें नहीं मैम पर आ मुझे तो लगता है ना अरे मेरी मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है वो क्या सोचते पर मेरी बेटी के लिए मैंने तो कुछ भी हो जाए मैं ब्रेस्ट फीडिंग करना है इसलिए को, कोई मदर्स मेरे लिए सोचते हैं को, कोई लोग मुझे लैंग्वेज नहीं आते उन लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे आ, वो, आ, वो आपको दिमाग से हटाओ आपकी आ, कुछ भी हो आपकी फीलिंग स्ट्रांग है आपके सामने लोग कैसे ही वो समझ लेते मैं तो मदर्स को बोलती हूँ कि कोई भी लैंग्वेज तुमको आता है ना मुझे तो की वर्ड चाहिए लो मिल्क सप्लाई इश्यूज बेबी करके बोलते ना मेरे लिए उतना बहुत है मैं समझ जाऊंगी फिर मेरे को ट्रीटमेंट आपको देना है वो भी मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे बोल के देती हूँ लिख के देते हैं सारा कुछ आप उसको समझ लो आजकल तो ट्रांसलेटर्स होते हैं हमको इंग्लिश में लिख के दिया उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो फॉलो करो वापस आओ मैं क्या पूछूंगी फॉर्मूला इनता इनता ऐसा पूछूंगी ना तो बता लोगे ना इतना तो बस उतना ही चाहिए ना मुझे उतने से हो जाएगा इतना सो <laughs> so, इसलिए अगर लैंग्वेज का बैरियर है भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं समझ जाती हूँ अभी इतने टाइम तक मदर्स के साथ काम करके मुझे बेसिक पता है कि मुझे क्या पूछना है मदरस से और उसका क्या आंसर चाहिए उससे हो जाता है आराम से हो जाता है इसके अंदर करेक्ट <laughs> ओके सर उपाय थैंक यू सो मच अगेन और आई होप आप बहुत अच्छे से अपना पूरा जर्नी कंटिन्यू करो सिक्स मंथ्स के बाद भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो जब आप अपना वापस आते हो तब आप अपने बच्चे को फीडिंग करा सकते हो अभी आपके पास टाइम होगा फोर एंड हाफ फाइव मंथ से आप पंपिंग करके मिल्क अपने घर में रख सकते हो जब सिक्स मंथ्स के बाद आप जब ड्यूटी जाओगे तो उसको सॉलिड्स के साथ साथ अपना ब्रेस्ट मिल्क आपको घर घर में जो भी रहेगा वो बेबी को दे सकता है उसके अंदर सो इसलिए आप उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो वर्किंग के साथ साथ भी

नहीं आप अच्छे से यहाँ आए देखो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी होती है लेकिन मदर्स ना थोड़ा वो सोचते हैं कि मैं ऐसा ऐसा वीडियो पे कैसे जाऊंगी मैं, मैं कैसे बोलूंगी कोई मैं कैसे बोल पाऊंगी मैम मुझे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे एक हिच होता है ना अंदर से वो मैं उन, उनके उसके लिए आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपको भी लग रहा था मैं कैसे बोलूंगी बट इट इज गुड ना देखो आराम से हो गया कोई दिक्कत नहीं हुआ इसके अंदर पूरा तो वो इम्पोर्टेंट होता है थैंक यू